एकता मैम, हाल ही में एक मूवी आई लाल सिंह चड्ढा, वो लोग जम के बायकॉट कर रहे, तो उस पर आपका क्या कहना है? मतलब बायकॉट से हमने देखा कि फिल्म को लॉस भी हो रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रहा है। कितनी अजीब बात है कि हम उन लोगों को बायकॉट कर रहे हैं जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा बिजनेस दिया है। द खान्स एंड स्पेशली आमिर खान इज़ अ लेजेंड, कांट बायकॉट हिम, ही कैनॉट बी बायकॉटेड, यू कांट बायकॉट द सॉफ्ट एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैंने एक बहुत क्लियर कट, अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मूवीज़ का बहुत टफ टाइम चल रहा है, बट आई एम सेइंग मैंने बोला ना कि इनको वही कि डर्टी पिक्चर 2 के कंग्रेचुलेशन से पहले इस बात की कंग्रेचुलेशन कि इतनी छोटी फिल्म हम थिएटर्स में लेकर आ रहे हैं, बिकॉज वी बिलीव दैट, आई रियली बिलीव दैट वी कैन ट्राई एटलीस्ट टू ब्रिंग द ऑडियंसेस बैक। थैंक यू सो मच। आपसे पूछें दूसरी बताइए, दूसरी मैं आपसे खबर लेने आया हूँ। ये मैम मैंने भी सुना है, जब तक मैं बनाऊँ नहीं कुछ बनता नहीं है। आई एम नॉट येट मेकिंग एनीथिंग। आपको मुझे अगर खुशखबरी देनी ही है और या कंग्रेचुलेशन करना ही है तो इस बात के लिए करिए कि वी आर टुडे आई थिंक सिटिंग ऑन अ इन अ टाइम वेयर यू नो पीपल आर रिलीजिंग बिग फिल्म्स एंड दे हैविंग अ लाइक इट्स टफ टू रिलीज अ बिग फिल्म एंड वी आर कमिंग विद दिस स्मॉल फिल्म फुल ऑफ गट्स इन द थिएटर। So that's a reason enough to be saying congratulations. लेकिन बनना तो चाहिए, वो फिल्म थी बहुत खूबसूरत और इस मतलब ये खबर सुनने के बाद मुझे लगा इतनी सुंदर फिल्म बन सकती है, उसका बन राइट में लोग। थैंक यू सो मच, आई विल ट्राई माय बेस्ट। लेकिन आपने सोचा कभी कि मुझे नहीं पता कि ये बन भी रही है डर्टी पिक्चर 2। मैं एक्चुअली दोबारा की बात करें, मैं बोलने वाली नहीं हूँ, आपका सवाल का जवाब नहीं देने वाली हूँ।